नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने राउटर के थ्रू अपने इंटरनेट की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। जनरली इस टाइप की रिक्वायरमेंट आपको होटल्स में ज़्यादा दिखेगी और कंपनीज का जो नेटवर्क होता है वहाँ पे, जो गेस्ट के लिए एक नेटवर्क बनाया होता है, वहाँ आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट दिखने वाली है और ये बहुत काम आएगा वीडियो आपका दोस्तों, अगर आप इसको सही तरीके से देखते हैं, समझते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग राउटर के थ्रू अपने इंटरनेट की स्पीड, जो हमारे गेस्ट यूजर हैं उनको स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑफिस की या घर की ये है बैंडविड्थ है वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जनरली दोस्तों, अभी जिस नेटवर्क पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, नेटवर्क कुछ इस तरीके से है। मेरे को मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक केबल दे रखी है जो मेरे राउटर से कनेक्टेड है और इस राउटर से मेरा ऑफिस का नेटवर्क चल रहा है। आप देख सा रहे हैं अपर साइड में मेरा ये ऑफिस का नेटवर्क है, इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं जो कि स्विच के थ्रू कनेक्टेड है और मेरे को जो स्पीड मिली हुई है ISP के थ्रू वो 20 Mbps की है, डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग। मैं इसको अभी आपको चेक करवा दूंगा और मैं चाह रहा हूं कि मेरे ऑफिस में जो भी गेस्ट आए, अगर उनको इंटरनेट की जरूरत पड़े, चाहे वो मोबाइल पे चलाएं या फिर अपने कंप्यूटर पे चलाएं, उनका जो उसका स्पीड होगा वो लिमिटेड होगा, वो मेरे पूरे नेटवर्क का स्पीड ना एक्सेस कर पाए। जनरली होता क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो विजिटर का इंटरनेट है, कोई भी विजिटर आता है उसको एक्सेस करता है, अगर उसने कोई भी वीडियो या कोई भी मूवी या उससे रिलेटेड कोई नॉलेजेबल वीडियो कुछ भी हो सकता है वो डाउनलोड करना स्टार्ट किया, तो वो आपकी कंप्लीट स्पीड को चॉक कर लेता है। एक ही डिवाइस में पूरा स्पीड आपका एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है और आपके कंप्यूटर्स में स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो तो जनरली इस चीज़ के लिए वैसे फायरवॉल को यूज किया जाता है, बट मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि थ्रू आप बेसिक राउटर्स जो आपके छोटे ऑफिसेज में या फिर घरों में यूज होते हैं उनके थ्रू किस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव है, जो मेरा इंटरनेट का स्पीड है वो 20 Mbps अपलोडिंग प्लस डाउनलोडिंग है और जो मैं चाह रहा हूँ गेस्ट नेटवर्क है उसका जो मैं स्पीड रखूँ वो 2 Mbps के अराउंड रहे, 2 Mbps डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग। मैं आपको सीनियरों दिखा दूंगा, जरूरी नहीं आपको 2 करनी है, आप डिपेंड कर सकते हैं आपके सीनियरों पे कि आप कितना चाहते हो। तो जनरली दोस्तों मैं अभी चेक कर लेता हूं कि जो मेरा अभी राउटर है कनेक्टेड है, नेटवर्क का स्पीड कितना है, तो मैं आपको स्पीड चेक करवा देता हूं। तो हमारा स्पीड चेक करने के लिए मैं एक वेबसाइट शेयर कर लेता हूं, वेबसाइट का नाम है speedtest.net। दोस्तों जैसे ही मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि अभी हमारी करंट स्पीड कितनी है। तो मैं ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ अभी, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, काफ़ी अच्छा एक मीडियम है स्पीड चेक करने का। आपको गो पे क्लिक करना है, जैसे गो पे क्लिक करोगे तो ये टेस्ट करेगा कि आपका डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग जो स्पीड है वो कितना आ रहा है अभी। तो देखो ये अपना एक टाइम लेगा, एक टाइम के बाद ये आपको अपलोडिंग प्लस डाउनलोडिंग स्पीड बता देगा कि क्या स्पीड है। जनरली मैंने जो अभी स्पीड परचेज कर रखी है, मैंने जो आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, मैंने उनको बोल रखा है कि जो मेरा स्पीड होना चाहिए मेरा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो 20 Mbps है। तो अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है स्पीड, क्या वो 20 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। टाइम ले रहा है कनेक्टिंग के लिए, चल रहा है अभी प्रोसेस। तो इससे सर दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आपको अपने नेटवर्क में फायरवॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिमिट करना है कि गेस्ट का जो स्पीड रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, जिससे कि आपका जो अपना नेटवर्क है, बस रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये रहेगी कि आपको 2 फायरवॉल ऐड करने हैं, 2 राउटर ऐड करने हैं, मेन राउटर जो आपके ऑफिस के लिए यूज़ हो जिसमें मैक्सिमम स्पीड रहे, और दूसरा राउटर जो आपके जो भी गेस्ट आएंगे अगर वो आपसे पासवर्ड लेते हैं, उनको ज़रूरत है इंटरनेट की, तो आप अपना गेस्ट का यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर कर दीजिए और वहाँ पर हम लोग स्पीड लिमिट करेंगे। तो उस स्पीड लिमिट जो होगी, जो गेस्ट यूज़र होगा वो उसकी स्पीड जो हमने डिफाइन की है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो कुछ इस तरह से देख लीजिए, अभी जैसे मैंने अपने इंटरनेट का स्पीड चेक किया, मैंने आपको बताया था मेरा जो पैक ले रखा मैंने वो 20 Mbps का है, तो अराउंड मेरी जो अभी स्पीड आ रही है मोर देन 20 है, जो कि सफिशियंट है, 20 से कम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अभी मैं इस चीज़ को चेंज करूँ, तो अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था जो मेरा मेन राउटर है उसमें मेरी स्पीड 20 की है, जो मेरा फर्स्ट सिनेरियो है ओके है। अभी मेरा प्लान क्या है, जो मैं उसके एक राउटर के साथ दूसरा राउटर कनेक्ट कर रहा हूँ अपना, जो मेरे गेस्ट के लिए होगा, तो मैं एक राउटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसका IP है 192.168.20.1। मैं इस राउटर को लॉगिन कर लेता हूँ,
कुछ इस तरीके से मैं अपने इस राउटर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जो ये सेकंड वाला सिनेरियो है गेस्ट राउटर का, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला राउटर मेरा ऑफिस के लिए रहेगा, मेन राउटर से मैं दूसरा राउटर अपना कनेक्ट करूँगा। तो किस तरीके से हम चीज़ यूज़ करेंगे, अभी देखिए मैंने ये राउटर ओपन किया। सबसे पहला मेरा रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा राउटर है उसका SSID और पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए। जैसे मैंने SSID टेक नेटवर्क्स रखा हुआ है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं अपनी वायरलेस सेटिंग में जाके वो देख लेता हूँ। वाईफाई का नाम मैंने टेक नेटवर्क्स रख दिया है और जो वाईफाई का पासवर्ड है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 8 9, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। अभी मैं चाह रहा हूँ बैंडविड्थ कंट्रोल करना। तो दोस्तों मेरा जो मेन मोटिव है बैंडविड्थ कंट्रोल का, एक फीचर है बैंडविड्थ कंट्रोल, मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखती है, इंग्रेस बैंडविड्थ एंड इग्रेस बैंडविड्थ। तो यहाँ मैं इस फीचर को इनेबल कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये नेटवर्क है गैस नेटवर्क है उसका स्पीड 2 Mbps रहे। तो जैसे 1 Mbps का है जो, तो वो होता है 1024 KB इज इक्वल टू 1 Mbps, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2048 अराउंड, ये अराउंड नहीं, ये एग्जैक्ट 2 Mbps का मैंने ले लिया है और इसको इनेबल कर दिया है। देखिए दोस्तों जो जिस राउटर में, सपोज ये वाला राउटर है मेरा, इस राउटर के अंदर मैं अपनी स्पीड को 2 Mbps करना कर रहा हूँ। तो मैंने ये राउटर लॉगिन करना है, राउटर की बैंडविड्थ सेटिंग में जाएंगे। बैंडविड्थ में जाने के बाद मैं इसको बैंडविड्थ कंट्रोल को इनेबल कर दूंगा, प्लस जो मेरी अपलोडिंग प्लस डाउनलोडिंग है, इग्रेस प्लस इंग्रेस दोनों को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, अभी आप चाहो तो अपने डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान देना है, पहले मेरी स्पीड ये थी राइट, जब मैं अपना मेन नेटवर्क से कनेक्टेड था। अभी मैंने बैंडविड्थ की मैनेज कर लिया है, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा स्पीड कितना आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रोसेस के अकॉर्डिंग 2 Mbps सेट किया है। तो ये मेरा पेज ओपन हो रहा है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। अभी मेरी जो स्पीड है अपलोडिंग प्लस डाउनलोडिंग, वो मोर देन 2 Mbps नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि मैं लिमिट कर चुका हूँ। देखते हैं ये फीचर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने ये speedtest.net को अभी रन किया है। ये कुछ टाइम ले रहा है क्योंकि ये अपने सर्वर से कनेक्ट होगा, फिर राउटर की जो पॉलिसीज है वो सारी चीज़ें चेक करेगा, उसके बाद ही ये हमको अपना स्टेटस चेक करवाएगा। तो अभी कुछ टाइम ले रहा है, ये अपना टाइम लेगा। उतनी देर में ये देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो इसका मैक्सिमम स्पीड है वो लिमिट हो चुका है। ये देखिए 1.5150, मतलब जो हमने सेट की थी 2 Mbps की लिमिट, उससे आगे नहीं जा रहा। तो देखिए दोस्तों हमने जो लिमिट डिफाइन की थी वो फिक्स हो गई 1.57, ये मेरी डाउनलोडिंग लिमिट थी। आप ये अभी अपलोड लिमिट भी कैलकुलेट करेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, राउटर के अंदर जाके बैंडविड्थ कंट्रोल में जाना है, इस फीचर को इनेबल करना है और यहाँ पे लिमिट स्पीड डिफाइन कर देनी है। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड राउटर है मेरा गेस्ट राउटर, उसके अंदर मैंने ये सारे फीचर प्रोसेस किए हैं। आपको ये सारी चीजें करनी है, जो भी गेस्ट आएगा उसको यूजर नेम पासवर्ड देना है, अपने मोबाइल पे कनेक्ट करे, जो भी करे लैपटॉप से कनेक्ट करे, यही चलेगा सारी प्रोसेस। जैसे ये प्रोसेस चलेगी तो आपका नेटवर्क भी इम्पैक्ट नहीं होगा और कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किस तरीके से मैंने ये प्रोसेस किया है। इससे क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी राउटर है, जो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जहाँ केबल आपको दे रखी है, वो उस राउटर से मैंने क्या किया है, अपने ऑफिस का नेटवर्क, जितने भी मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय हैं सबको कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि उन लोगों के पास मैक्सिमम स्पीड आ सके और जो भी मेरे विजिटर हो या गेस्ट हो उनके पास जो भी मैं वाईफाई का पासवर्ड दूं उनका स्पीड लिमिट रहे, जिससे कि उनकी भी ये कंप्लेन ना आए कि नेट नहीं चल रहा है। लिमिट सबको पता होता है कि गैस नेटवर्क है तो उसका लिमिट डिफाइन होगा, इतना एक हैवी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको जनरली ये होटल्स में भी मिलेगा, जब भी आप होटल्स में जाते हैं आप देखते होंगे आपको रिसेप्शन पे एक पासवर्ड दिया जाता है, जिस होटल में वाईफाई फ्री होता है आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है। जैसे आप उसको कनेक्ट करते हो, एक्सेस करते हो, आप देखते हो कि अभी भी कभी भी आपको एक अच्छी स्पीड नहीं मिलती, एक लिमिटेड स्पीड मिलती है, क्योंकि आपको बेसिक आपके रिक्वायरमेंट मेल्स वगैरह चेक करने के लिए होती है, वो इजिली फुलफिल हो जाती है। तो वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बताया, चाहे आपको होटल्स के अंदर ये प्रोसेस करना है आप होटल्स में कर सकते हैं, चाहे आपको ये किसी ऑफिस के अंदर करना है आप इस प्रोसेस को ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। आपको कोई बहुत अच्छे से आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ये आपका होटल्स प्लस स्मॉल ऑफिस प्लस होम्स, इन सारी जगह में काम आएगा।
और अगर आपको कुछ क्वेरी हो, अगर आपको लग रहा हो नहीं यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, मैंने कॉन्फ़िगर कर तो दिया है लेकिन हो नहीं रहा है, तो आप इस जो मैं आपको वीडियो शो कर रहा हूँ उसमें आप इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो मेक श्योर जो आपका राउटर का गेटवेज होगा, दोनों राउटर का गेटवेज डिफरेंट होंगे। मैं बता देता हूँ, सपोज मेरा ये राउटर है, इस वाले राउटर का मेरा आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देता हूँ 192.168.1.1.1, ये मेरा प्राइमरी गेटवे रहेगा। और जो मेरा सेकेंडरी राउटर है उसका आईपी कुछ इस तरीके से होने वाला है 192.168.2.1, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस करना है। दोनों राउटर का गेटवे अगर सेम होगा तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे को दोनों का गेटवे थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई चैलेंज लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए कि वीडियो अच्छे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, या कुछ और चीज़ें मेरे से छूटती है तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को उस पर और ज़्यादा समझा पाऊँ। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इंटरनेट की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी किफ़ायती हैं। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इंटरनेट फील्ड में जॉब कर रहे हैं, एक टेक्नीशियन हैं फील्ड में काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही आपको कस्टमर इंटरफेस करनी होती है, उनकी क्वेरीज होती है, तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।